आप देख सकते हो बड़ा कितना ना ये मंजा, ये देखो अंकल जी बता रहे हैं 16 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है जी ये मंजा, और ये मंजे को अब छोटा कर दिया गया है, 70 से 75 साल पुराना है जी। हेलो जी, अब उतर रहे हैं आइकॉनिक मंजे से, इस पे जी बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं। तो जी सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, असि आया अमृतसर के बीच, तो आज अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का सबसे बड़ा मंजा। अभी घर से तैयार होकर निकले हैं, तो सबसे पहले हम नाश्ता करने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं नाश्ता करने, और उसके बाद आपको दिखाने जाऊँगा मैं अमृतसर का सबसे बड़ा मंजा, जिसके ऊपर हर कोई अंग्रेज भी बाहर से आके बैठते और सारे यहाँ इंजॉय करते उसको। तो आ जाओ फिर भाई, मारे छोले भाई वे मारे छोले भाई छोले खत्म। थोड़ा चार भी रिफिल कर दो बेटा, मोलिया पा दो मोली पा दो। बहुत तेज हो रहा है। बस जी बढ़िया सा नाश्ता करने हैं शेरा पूड़ी वालों के पास, और इनकी मैंने बहुत नेम सुना था, और बिल्कुल जहाँ पे मंजा है ना उसके बिल्कुल थोड़ी सी करीब ही है, तो मेरे को भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा पहले तो नाश्ता किया जाए भाई, पर नाश्ता करके फिर आपको वो भी दिखाते हैं, तो पहले नाश्ता करके आपको ट्राई करके बताता हूँ उसका स्वाद कैसा है। ये जी इनको आइकॉनिक पूड़ी चने, और धुआं निकल रहा है पूरे गर्मा गर्म है, इनके चने आ गए, ये आ गया इनका अचार, ये हमारी थोड़ी सी भूख डॉलर वाले चने भाई इतने मोटे मोटे, और ये गई अरे वाह बहुत स्वाद है। हमारे सिरसा में अगर किसी ने नानक वालों के छोले भटूरे खाए ना तो बिल्कुल रिलेट करता है टेस्ट, और बहुत बढ़िया टेस्ट है। अब मैंने यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आपको दिखाने जाता हूँ वो, तो मैं इंजॉय करता हूँ, फिर मिलते हैं बाद में, लाइक कर दो वीडियो को तब तक। तो जी अब हम पियेंगे यहाँ से लस्सी, पहलवान जी से लस्सी, और इनकी लस्सी टेस्ट करके बताता हूँ। वैसे कहते हैं पूड़ी छोले के ऊपर लस्सी पियो ना तो नींद आती है भाई, अभी वैसे काम करना बहुत सारा, पर पी के देखते हैं कि सुना है मैंने, और एक बार भटूरे छोले के ऊपर जरूर पी थी तो मेरे को बड़ी भयंकर नींद आई थी। ये जी लस्सी, ये जी इनकी लस्सी, पी के टेस्ट बताता हूँ आपको। वाह जी वाह, मीठी लस्सी है, बड़ी स्वाद है। क्या रेट है? 40 रुपए का गिलास है जी, बड़ी स्वाद लस्सी है, अगर आपने पीनी है शेरा पूड़ी वाले के बिल्कुल साथ खड़े होते हैं तो आके पी लो। बाकी अभी आपको मंजा दिखाता हूँ मैं। लो जी अब देखने जा रहे हैं अपन जी मंजा, यहाँ के पूड़ियाँ का नाश्ता कर लिया अपन ने, और बड़ी अच्छी जगह है जी अमृतसर, बड़ी अच्छी जगह है खाने पीने के लिए, बहुत जाएगा यहाँ पे, और अगले ब्लॉगों में मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा तो सबसे सस्ती गली है यहाँ पे, अगर आपकी जेब में 10 रुपये भी है ना तो आपका पेट भर जाएगा, ये अमृतसर की खासियत है। और बाकी आपको मैं दिखाऊंगा अभी बड़े वाला मंजा, वो दिखाने जा रहा हूँ। इधर से गली बताइए जी, और वो देखो जी सामने बड़ा बड़ा मंजा, और इतने बड़े बड़े पाए हैं जी इसके साथ में, ये खड़ा है घोड़ा गाड़ी पुरानी, ये देखो जी पुरानी घोड़ा गाड़ी, यार ये तो ऐसे लग रहा है पुराने ज़माने में ही आ गया हूँ मैं। बाकी जी ये देखो ये मंजा है, इतना बड़ा मंजा है जी, तो पाए देखो कितने बड़े हैं। सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल बुजुर्गो, मंजा कितना पुराना बाबा जी, दसो थोड़ा मंजे बारे। 70 साल पुराना है जी। ए बाबा पारा जा है ना, इत्थे प्यार आंदा है, इत्थे प्यार ते फिर टुटदा है तो कौन बनांदा है फिर? ये असि आप ही बनाईदा है, पैसे तो थोड़े पा के ते साथ जी लगी रहंदी है ना इत्थे पूरी, ते लोग बैठे हैं जी एंजॉय कर रहे हैं यहां पे, और पाए भी ये काफी बड़े हैं ना। ये देखो जी इतने मोटे मोटे रस्ते और इतने मोटी मोटी, ये आप बैठ के देखते हैं इसके ऊपर। तो जी इस मंजे को मैंने, इस मंजे पे जी बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं, और बहुत सारा इधर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी है इस मंजे की, बहुत अच्छा आइकॉनिक सा मंजा है। मैंने सोचा था कभी जाऊंगा अमृतसर में इस पे बैठ के देखेंगे, बड़ा मतलब मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिया टाइप इमोशन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी। और बाकी ये लोकल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरी साथ लग रही है ना अंकल जी, इतने खाते पीते हैं लोग यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, जैसे पिंडों में साथ नहीं होती जी, वैसे लोग बैठ के यहाँ पे इंजॉय करते हैं, और बड़ा अच्छा मंजा जी। टोटल जी इस पे 30-35 बंदे आराम से बैठ जाते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको मंजा दिखाता हूँ एक बार उठ के, यार मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो रहा है मेरा।
ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜੀ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਡਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਜੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜਾ ਬਣਿਆ ਭਾਅ ਜੀ 1963 ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਦਰ ਭਗਵਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ 10 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰਜਾਪਤ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਪਰਜਾਪਤ ਬਲਾਦਰੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਨਾਲੇ ਹੁਣੇ ਬੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੈਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਲ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਪੂਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ छोटा कर दिया गया है 70 से 75 साल पुराना है जी और इन्होंने पूर्वजों के नाम बताए जिन्होंने ये मंजा बनाया है साल में ये दो बार बनता है मंजा ये चीज़ें मेरे को यहाँ इन बुजुर्गों से सीखने को मिली मेरे को पता लगा इसका इतिहास क्या है की कह रहे हो सारे हिंदुस्तान दे विच अच्छा इको ही मंजा है पूरे मैं लगता है अंकल जी पूरे वर्ल्ड च इको ही मंजा है कोई वर्ल्ड नहीं मंजा क्योंकि अपना जेड़ा इत्थे दा जेड़े लोग मिलनसार लोग जेड़े प्यार इकट्ठे होके रहन दा जेड़ा है ना वो इत्थे ही है बाहर दे मैं वेख्या परिवार किथे मुंडा किथे कुड़ी किथे इत्थे ही है जेड़ा प्यार है आ देख सकदे हो तुसी प्यार नूं फिल्मां बन के गईयां ड्रामे बन के गए आ इस मंजे दी आनंदपुर साहब ਓਕੇ ਜਿਆ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਅਜੂਬੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਵੇਲੀ ਰੋਡ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰਸਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਵੱਡੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਮਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੰਜਾ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੋਰਨਰ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੰਜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਈਡ ਖੜਾ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਤਲਬ बड़ी ज़बरदस्त जगह है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है जिसने भी बनाई है और ऊपर पक्खे लगा रखे हैं जैसे विलेज में शाम लाट होता है वैसे इधर ये मंजा है लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं चाय पीते हैं इकट्ठे बैठ के परिवारों की बातें राजनीति की बातें और मतलब जो देश में चल रहा है और जो लाइफ में चल रहा है उसकी बातें जो इकट्ठे बैठ के मिलनसार नेचर है वो ये मंजा इसका प्रतीक है यहाँ पर शराब नहीं पीने देते ठीक है जुआ नहीं खेलने देते ठीक है ये पाबंदी नहीं ये बहुत अच्छी चीज है जी ना ड्रिंक करो ना जुआ खेलो ओनली बैठो अपने प्यार से प्रेम से बात मर्जी आवे जी बैठे कुलचे खाओ पूड़ी खाओ चाय पियो हाँ जो मर्जी खाओ पर दारू ना पियो ये जी बहुत अच्छी बात है जी चलो जी बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलके मेरे को और बड़ी अच्छी जगह लगी मेरे को आइकॉनिक मंजे से इस पे जी बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं बहुत सारे ड्रामे शूट हुए हैं मतलब मेरे को यहाँ पे आके बचपन में मैंने इस मंजे को न्यूज़ चैनल पे देखा था मेरा बड़ा दिल था बचपन से ही एक माइंड में घुस गया था मेरी बकेट लिस्ट में था ये मंजा कि कभी अमृतसर गया
तो इस मंजे पे मैं जरूर बैठ के आऊँगा। आज मेरा वो ड्रीम पूरा हो चुका है और बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। तो बाकी आगे आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। कैसा लग रहा है इस मंजे पे? बढ़िया, मज़ा आ रहा है जी। बिल्कुल आइकॉनिक सी जगह है और बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो बड़ा कितना है ना ये मंजा, ये देखो कितनी दूर बैठे। वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी मेरे को इस जगह पे आके। यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही प्यारे हैं जी, उनके साथ जो बातचीत करने का जो मज़ा आया आनंद आया ना, और जो यहाँ के लोग हैं बड़े मिलनसार हैं जी। आप जब भी यहाँ आओगे ना, आपको चाय वगैरह सब कुछ ये बेसिक सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे कि आप खाओगे। बहुत ही बढ़िया माहौल है। मैं कहूँगा एक बार अगर अमृतसर आ रहे हो तो इस जगह पर ज़रूर विजिट करके जाना, आपका दिल खुश हो जाएगा। बड़ा मंजा इस जगह को बोलते हैं और टेलीफोन एक्सचेंज के पास है। आप जी इस मंजे पे बैठे हुए थे तो अंकल जी से बात हुई, अंकल जी कहते मेरी साथ में शॉप है वहाँ पे, हम कड़ी चावल राजमा चावल बनाते हैं। तो साहिल साथ में था, वो कहता भाई क्यों ना फूड की वीडियो शूट की जाए। अब अंकल के पास कड़ी चावल राजमा चावल टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है और अंकल की दुकान भी दिखाऊंगा इधर ही बड़े मंजे के पास। तो चलो आयो। एक और मेरे को नॉस्टैल्जिया होता था कि ये बचपन में ये टांगा, टांगे पे बहुत सारी फिल्में देखी हैं। बाबा टांगा किधर है, बह जाए एक बार फोटो ले ला। लो जी इस टांगे पे बैठ के देखते हैं जी, पीछे से चढ़ने का ये जगह और ये आगे जी घोड़ा, चलना बड़े भाई। और ये जी बाबा जी का टांगा, आजा बैठ बुढ़े दे टांगे तेनू सैर करावा नी। ये वो टांगा है जी, फिल्मों में बड़ा देखा मैंने और फर्स्ट टाइम लाइफ में देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है इस पे बैठ के। अब जा रहे हैं जी कड़ी चावल और राजमा चावल खाने, आपको बहुत दिखाते हैं और बाबा जी को फिर अगर टाइम लगा तो इस पे सैर करके आएंगे पूरे अमृतसर की जी। चलो जी ठीक है। ये जी राजमा चावल कड़ी चावल अंकल जी के, और अंकल जी की कड़ी देखो, ओए होए क्या बात है अंकल जी, भरे हुए पकौड़े है ना पूरे पकौड़े, हरी मर्चे अदरक, और ये क्या जी राजमा जी, ओए होए क्या खुशबू आ रही है भाई, बता नहीं सकता आपको। और ये जी कड़ी के ऊपर पकौड़े देख के मैं तो हैरान, अंकल जी मेरा पता कर रहे मेरा देखिए आप, ये देखो जी फुल्ली लोडेड पकौड़े के साथ कड़ी, वाह जी वाह। और ये राजमा चावल, हाँ जी अंकल जी किवें लग रहे हैं तुम? अरे यार 50 साल खांज हो गए है, दुकान वो वाली है कम सस्ता। अच्छा जी 10 रुपए प्लेट है, 10 रुपए प्लेट है, 10 रुपए प्लेट है। राजमा चावल कड़ी चावल सब तो मशहूर दुकान है। वाह जी वाह, अच्छे होंगे ना, मतलब ये लेबर टाइप होंगे ना आदमी, बंदा ढिड भर लगता। हाँ जी पर तो 20 रुपए, रब के बंदे की जगह है जी, 10 रुपए से जो रब का बंदा है वो इतने आके खा सकता है जी। बहुत वधिया अंकल जी बनाते हैं, थोड़ा टेस्ट देखो। हाँ जी हाँ जी खाने हैं जी, खाने जरूर खावे। भाई वाह, आधी प्लेट मैंने खा ली है कैमरा ऑन होने से पहले जी। अंकल जी 10 रुपए के कड़ी चावल भी देते हैं, बहुत स्वाद की पकौड़े डालते हैं जी। ये देखो पकौड़ा पूरा, इतना बड़ा पकौड़ा है जी सिर्फ 10 रुपए में। आप इंजॉय करने आप आ सकते हो टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंकल जी लगाते हैं राजमा चावल वाले, मैं लोकेशन डाल दूँगा। कड़ी चावल खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा है। भाई वाह, बड़ी स्वाद कड़ी है, मज़ा आ गया मेरे को खा के। और आपने अगर ये जायका चखना है तो अंकल जी के पास आ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय।